गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास फिफ्थ मैथ्स. टॉपिक इज नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर. हम इस चैप्टर्स में हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू फाइव डिजिट. आपको पहले से ही पता होता है जो फाइव डिजिट नंबर्स के साथ आपको इंट्रोडक्शन हो चुके हैं पहले प्रीवियस क्लास में. फिर फॉर्मिंग नंबर्स, नंबर्स कैसे फॉर्म होता है वो भी आपको प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो. नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स को कैसे एक्सपेंड करके लिखा जाता है वो भी आप प्रीवियस क्लास में जान चुके हो. नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका जो स्थानीय मान होता है वो कैसे निकालते हैं वो भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. और नाउ विल अब नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स. असेंडिंग मतलब जो छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़ा से छोटा नंबर्स आपको लिखना है वो भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर एक्सरसाइज वन, नंबर वन क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. न्यूमरल्स मतलब आपको इसको नंबर्स में लिखना है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1600. सबसे पहले हम लोगों को इसको इजी करने के लिए हम पहले टेबल बनाएंगे. सबको पता है टेबल्स क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, टेन हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक एंड क्रोर. ये होता है टेबल. अभी जैसा जैसा यहाँ पे बोला है उसको उसी टेबल के उसमें उसी हिसाब से आपको लगाना है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1000, तो 1000 कहाँ पे है, यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे 1 लिखना है. उसके बाद 600, 100 कहाँ है, ये हो गया. बाकी ये टेंस और वंस खाली है तो उसमें आपको खाली नहीं रखोगे, आपको ज़ीरो लगाना है. तो इसका न्यूमरल्स फॉर्म क्या हो गया, 1600 का न्यूमरल्स फॉर्म हो गया 1600. समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट देखो नंबर फोर, 80,930. 80,000, देखो 1000 में डबल डिजिट आ गया, 80 डबल डिजिट है मतलब टेंस वाला डिजिट हो गया. तो देखो टेंस मतलब 10,000, मतलब टेंस जहाँ पे है तो ऐसे लिखे 80,000, मतलब आप यहाँ पे 8 लिखोगे यहाँ पे 0 लगाओगे तो हो गया आपका ये 80,000. समझ में आ गया. उसके बाद क्या है 900, ये है 900, तो 9 इसमें लिखना है. और फिर एंड 30 मतलब इसमें भी डबल डिजिट आ गया, मतलब वंस और टेंस दोनों मिला के ये 30 डबल डिजिट होता है तो ये 30. समझ में आया. तो इसका न्यूमरल्स फॉर्म क्या होगा, 80,930, ये इसका न्यूमरल्स फॉर्म है. इज इट क्लियर नंबर वन. नाउ नेक्स्ट नंबर टू क्वेश्चन इज राइट द वर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. वर्ड फॉर्म में लिखना है. आप पहले क्या किया था, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखा था, अभी इस न्यूमरल्स को वर्ड फॉर्म में लिखना है. मतलब आपको इसको ये जैसे आपने लिखा ये वर्ड फॉर्म में ऐसा करके फॉर्म में लिखना है. तो नंबर्स क्या है, 24056 नंबर, मैं यहाँ पे नंबर टू में लिखती हूँ 24056. सबसे पहले मैं इसको टेबल में सेट करूँगी. सबसे पहले मैं टेबल बनाऊँ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक एंड क्रोर. तो नंबर्स जब टेबल में लिखेंगे तो हम पीछे से शुरू करेंगे. ये वंस है तो वंस में 6 आ गया. फिर 5 टेंस में है तो 5 टेंस में लिख दिया. 0 हंड्रेड में है तो 0 हंड्रेड में लिख दिया. ये 4 है 1000 में लिख दिया. फिर 2 है 10,000 में. तो ये हो गया आपका जैसा यहाँ पे नंबर्स है उसको मैंने टेबल में सेट किया. अभी इसको न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखोगे, आप जैसे जैसे टेबल में जैसे जैसे नंबर लिखा हुआ है उसी को आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है. जैसे 24 किस में है, देखो 1000 में है 24, 10,000 और 1000 मिला के आप बोल सकते हो 1000, 24,000, TWENTY 24,000
देखो 100 में कुछ नहीं है तो 100 में कुछ नहीं लिखोगे, 24,056 या आप इसका वर्ड फॉर्म में ये। नेक्स्ट नेक्स्ट में आप ये नंबर 5 में दिखा लो, ये 1 हो गया और ये 5। 5 में क्या है, नंबर्स क्या है, 6, 7, 7, 2, 5। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, हम इतना तक टेबल बना रहे हैं। नंबर्स का हम पीछे से डालना शुरू करते हैं, 5 वंस में आएगा, 2 टेंस में आएगा, 7 हंड्रेड में आएगा, ये 7,000 में आएगा और 6 10,000 में आएगा। तो अभी इसका वर्ड फॉर्म क्या होगा, अब देखो पहले 67 क्या है, 1,000 में है, तो आप लिख सकते हो 67,000, 100 में 7 है तो 725, 20 इसलिए बोल रही हूँ 20, 10 में है तो 2 के साथ 10 जोड़ोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया, प्लस 1 5 1 में जो है 5 उसके साथ प्लस हो जाएगा तो 67,725। तो हम इसको लिखते हैं 67,725। समझ में आ गया, ये नंबर 1 और नंबर 2 समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ओके। नाउ नंबर 3, इसमें क्या बोला है, नंबर 3 में राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जो नंबर आपको इधर दिख रहे हैं आपको उसको एक्सपेंड मतलब बड़ा करके इलाबोरेटली आपको लिखना है। जैसे पहले ये क्या है, नंबर 1 में क्या है, 1, 2, 3, 7, 3, हम इसको लिख रहे हैं 1, 2, 3, 7, 2। इसको कैसे हम बोलेंगे, आप ये देखो हम ऊपर टेबल इसको बना लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो ये हो गया आपका 10,000 में, ये आ गया 300 में और ये हो गया 72 टेंस और वंस मिला के। तो हम इसको वर्ड फॉर्म में जैसे बोलेंगे 12,372। अभी एक चीज़ आप देखो, थाउजेंड मतलब आप देखो जब इसको हम टेबल में डालेंगे, 10,000 हो गया, वंस, 10,000 हो गया, अभी क्या है 12,000 मतलब यहाँ पे 1,000 है उसके साथ 2,000 मतलब 1,000 प्लस 2,000, ये दोनों जोड़ोगे तो हो गया आपका 12,000। उसके बाद क्या है 300, जैसे मानो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 2 है ना, ये 1 यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे 2, 3, फिर है 7, 2, तो इसको एक्सपेंडेड 1,000 पहले मैंने लिखा, ये क्या 1, 10,000 तो और एक 0 आएगा, ये हो गया 10,000, फिर है 2,000, फिर है 300, फिर 70 प्लस 2, ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं और एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, नेक्स्ट है 5, 6, 8, 8, 7, 6, 8, 8, 7, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसको हम टेबल्स में डालेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। जैसे जैसे आप टेबल में लड़ डालोगे, जैसे जैसे टेबल में आप डिजिट को डालते जाओगे, सेम प्रोसेस में आप उसी को ही वर्ड फॉर्म में लिखना है, या जब आप एक्सपेंडेड बोलेंगे सेम एज आपको उसको एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे 68,000 तो 6 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और 8 कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, फिर 800 यह है 800 तो 100 में हम 8 लिखेंगे, फिर 77 ये हो गया,
अब इसको एक्सपेंडेड देखो, सिक्स कहाँ पे है, 10,000 में, तो आप लिखो ना 60,000, 60 10, मतलब 6 के साथ 10 इंटू करोगे तो क्या होगा, 60 हो गया, फिर 1,000 के लिए ये 0, तो हो गया 60,000 प्लस ये है 8,000, तो हो गया आपका ये 8,000। नेक्स्ट है 800, ये है 800 प्लस 70, ये है 70 प्लस ये है वंस में क्या है 7 है प्लस 7। तो आप इस सारे डिजिट को आप नंबर्स को जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा 68,877। तो ये है ना 68,877, क्लियर? ओके, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म। जो पहले हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म किया है, इसको हमको मेरे को ये न्यूमेरल फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये न्यूमेरल फॉर्म है, तो जो एक्सपेंडेड है इसको हमें अभी ऐसा न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। तो नंबर्स हम पहले लिख लेते हैं। नंबर 1, ये क्या है 40,000, ये है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। अभी आप लोग बताओ इसको न्यूमेरल फॉर्म में कैसे लिखना है। इसके पहले मैं आपको समझाया इसको कैसे एक्सपेंडेड करना है, अभी इस एक्सपेंडेड को न्यूमेरल फॉर्म में कैसे लिखना है। आपको पता है ये है 40,000 और ये है 5,000, देखो दोनों ही 1,000 में है, तो 40,000 प्लस 5,000 में कितना होता है, 45,000। ये इसमें जीरो नहीं लगाएंगे और इसको सिर्फ न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है, तो 45,000 मतलब यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है 700, तो 7 लिखेंगे, फिर क्या है 72, ये हो गया 72, ये हो गया आपका न्यूमेरल फॉर्म, किसकी, इस एक्सपेंडेड फॉर्म की। आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट देखो नंबर 4, इसमें क्या है 50,000, ये है ना 50, फिर 1,000 के लिए 0 लगाया 3, उसके बाद 2,000, ये देखो 2,000 मतलब दोनों ही 1,000 में है, तो आपको दोनों को ही एक सिंगल नंबर बनाना है, और फिर है ये 100 में आ गया, देखो 800, उसके बाद देखो ये टेंस में आ गया और ये वंस में आ गया। तो अभी इसको न्यूमेरल फॉर्म कैसे है, मैं अभी क्या बोला आपको, ये 50,000 है, ये 2,000 है, तो आपके पास 50,000 है और 2,000 है, तो टोटल कितना 1,000 हो गया, 52,000 हो गया, फिर कितनी 100 है, 800 है, तो 800 हो गया, फिर कितना है 10 प्लस 1 मतलब कितना होता है 11, तो 811, ये हो गया आपका न्यूमेरल फॉर्म इसके 52,811। समझ में आया? ओके, तो आज हमने क्या सीखा, तो हमने आज न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखना है वर्ड को, जो यहाँ पे नंबर्स वर्ड में लिखा है उसको हमको न्यूमेरल फॉर्म में लिखा है, फिर जो न्यूमेरल में लिखा है उसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है, फिर ये जो नंबर्स लिखा है उसको एक्सपेंडेड करके लिखा है। अभी नेक्स्ट क्या हमने किया, जो एक्सपेंडेड किया है उसको हमको न्यूमेरल में लिखा। तो ये सारे जो हमने आज समझा ये आप अपना नोटबुक में करोगे, समझ में आ गया, ये सारे जो 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ये 4 आपकी होमवर्क है, ये जो होमवर्क आप अपना नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू।